क्या बात है इसमें यार, ये पूरी पूरी लहसुन की कलियां डाल रखी, समझ रहे हो? ये क्या रम वम लाते थे ना कभी, चुपके से ऐसे ही निकालने पड़ते थे जल्दीबाजी। ये महाराजाओं की महारानी है। अभी इसमें डलेगी महारानी। ये है मतलब हाँ। फिर मटन खाओ तो दोनों हाथ डुबा लो और दोनों हाथ से खींचो, फिर बस सोचो मतलब। हाँ, सपना था कि एक जिंदगी शानदार आउटलेट वाला रेस्टोरेंट खोलना। पहले तो मेरे को लगता था कि हाँ मैं बड़ा हो गया, अब रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। लोगों ने वापस बोल दिया नहीं आप छोटे ही हो, लेकिन आप रेस्टोरेंट चला रहे हो। ये देखो, और लहसुन की मात्रा थोड़ी तेज़ है क्योंकि अब राजस्थान वाला राजपूत आना है तो लहसुन तेज ही खाते हैं। फिर तो उसके बाद तो हाथ ऐसा बैठा है कुछ भी डाला लो, इसमें बीड़ डाल के बना देंगे अब तो। डायरेक्ट सरसों में डालेंगे इसमें नमक को, जब राजपूताना बनाते हैं, क्योंकि वरना ये लिकर से मिसमैच हो जाता है। 800 ग्राम प्याज रहता है, आपने सुना नहीं होगा मतलब एक किलो में 800 ग्राम प्याज बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन हमको इसका मीठापन न्यूट्रलाइज करना आता है। नॉर्मल मसाला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ यूनिक सा ही है। इसलिए आप लोग ये बोलने लगे यार ये वाली खिलाओ हमें, क्यों? क्योंकि इसमें वो डलता है। रंगत आप इसकी देख सकते हो कितनी शानदार आ रही है। तो जो लोग नहीं पीते उनके लिए बढ़िया, और जो लोग पीते उनके लिए तो और ज़्यादा बढ़िया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर एक बार आया हूँ दोबारा जायका में। जायका जी हाँ, वही जो कि टोंक रोड पर है, जहाँ पे पृथ्वी बहुत ही अच्छे अच्छे नॉनवेज जायके हमको दिखाता है। और उसकी जो रेसिपीज़ है ना, मतलब मैंने पहले भी दो चार रेसिपीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने हांडी मीट यहाँ पे किया है, मैंने जायका स्पेशल यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, और आज मैं जो यहाँ पर आया हूँ वो है सर्दियों में बनने वाला जो हमारे राजस्थान की एक विस्की है, वो उसका यूज़ होता है इसमें, इसकी प्रिपरेशन में। और जो मटन बन करके रेडी होता है ना, मतलब बिल्कुल देसी स्टाइल पे सिगड़ी पे बनने वाला जो मटन होता है, तो उसकी रेसिपी आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी से। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते और चलते मिलते हैं पृथ्वी से, और आज हम ये खाएंगे और आपको बताएंगे इसका जायका कैसा है। तो आइए चलते हैं। पृथ्वी आज क्या बना रहे हैं हम? आज हम बनाने वाले हैं राजपूताना मटन। क्या बोला कि यार ये राजपूताना क्या हो रखा है, कुछ अलग सा ही बवाल हो गया क्या बाजार में? मैंने कहा हाँ यार, ये एक रेसिपी थी जो घर पे ट्राई करी, तो फिर बनाना शुरू कर दिया मेन्यू में डाल के, तो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। और जो बाकी सारी डिश थी, आप लोग ये बोलने लगे यार ये वाली खिलाओ हमें, क्यों? क्योंकि इसमें वो डलता है। तो जो लोग नहीं पीते उनके लिए बढ़िया, और जो लोग पीते उनके लिए तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो वो वाली चीज़ थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालने वाले। बहुत बेसिक सी रेसिपी, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये पहले हमारे पास मटन है, थोड़ा इसमें चर्बी वाले मटन लेते हैं, और राजस्थान में लोग कम चर्बी डालते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम थोड़ी डाली थी, लेकिन इस बार मैंने मटन के अंदर ही ज़्यादा चर्बी ले ली। आप देख सकते हैं मटन के अंदर ही चर्बी ले ली। उसके अलावा कुछ साबुत लहसुन की कलियां हैं, ये लाल मिर्च है, ये कलर देने के लिए हमने क्या इसको इसमें डिप कर लिया है, क्योंकि ये तेज करने वाली नहीं है, ये जो मिर्ची है इसको डिप कर लिया ताकि सिर्फ कलर दे, क्योंकि इसमें देगी मिर्च नहीं डालते। अच्छा। फिर ये खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता, स्टार फूल, इलायची, जावेत्री, ये साबुत लाल मिर्च, जायफल, ये लौंग है, और काली मिर्च है, शाही जीरा, दालचीनी। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, दैट इज सौंफ। ये सौंफ डलेगी। सौंफ आपने पिछली बार भी डाला? हाँ, ये सौंफ है, क्योंकि ये थोड़ा फ्रेग्रेंस देती है इसको, तो और फ्रेग्रेंस देती तो अच्छा लगता है, कभी बार बाइट में नहीं आएगी लेकिन सही लगता है। फिर ये नॉर्मल धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और लाल मिर्च पाउडर है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल है, घर में पिसा है, ऐसा कुछ नहीं, बाजार में मिलता है आराम से, वही है नॉर्मल मसाला, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ यूनिक सा ही है। और ये प्याज है, इसके अंदर हम करीबन एक किलो मटन में, क्योंकि हम इसमें दही टमाटर कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, तो करीबन 800 ग्राम प्याज रहता है। आपने सुना नहीं होगा मतलब एक किलो में 800 ग्राम प्याज बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन हमको इसका मीठापन न्यूट्रलाइज करना आता है, तो ये न्यूट्रलाइज हम इसको कर देते हैं तो ये काफ़ी सही रहता है। फिर ये नमक है, इस नमक को इस बार डायरेक्ट हम सरसों में ही डालेंगे, डायरेक्ट सरसों में डालेंगे इसमें नमक को, जब राजपूताना बनाते हैं, क्योंकि वरना ये लिकर से मिसमैच हो जाता है। अगर नमक बाद में डालेंगे ना अपन, जब इसका घोल बनाएंगे तो फिर मिसमैच कर जाएगा लिकर से। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, अदरक इसमें बहुत कम है, और लहसुन की मात्रा थोड़ी तेज़ है, क्योंकि अब राजस्थान वाला राजपूताना है तो लहसुन तेज ही खाते हैं। तो अब शुरू करते हैं। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये महाराजाओं की महारानी है। ये महारानी मेंसर है, और अभी तुम आए थे तुम्हारे सामने इसका पहले, मतलब आज आई थी तुम्हारे सामने, इसका मुहूर्त हुआ था, कस्टमर लेके गए थे। और ये सरसों का तेल है, जो यूजुअली सरसों के तेल में ही अपन मीट बनाना प्रेफर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डालने वाले हैं सरसों का तेल सबसे पहले। एक किलो मीट बना रहे हैं, 250-300 ग्राम तेल डालेंगे करीबन। एक किलो मीट में 250-300 ग्राम। अभी एक्चुअल वाला सरसों है, स्मेल आ जाएगी। अब हम ये भी मैं बता दूं कि रेस्टोरेंट पे बनाते हैं तो इससे हल्का वाला सरसों डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर या ज़्यादा कच्ची गानी वाला सरसों अगर रेस्टोरेंट वाली रेसिपी में डालेंगे ना, तो मटन क्या काला होने लग जाता है। अच्छा। हाँ,
तो अगर किसी को ऑर्डर पे बनवाना हो तो मुझे 3-4-5 बजे तक फोन कर दे, फिर उसको इसी तरह से प्रिपरेशन में हम बना के उसको देते हैं। तो ये कौन सा वाला है? ये महाभोग। महाभोग है, कच्ची गानी आता है इसमें। अच्छा, कच्ची मतलब ज्यादा हाई, मतलब स्मेल इसकी देखना बहुत तेज होने लगेगी। आ रही है ना स्मेल, बहुत सही आ रही है। अभी इसमें हम ये सरसों के तेल में डायरेक्ट नमक डाल देंगे, इस सरसों के तेल को फाड़ने के, इसी कचान फाड़ने के लिए ना। तो अब इसमें कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका, कलर थोड़े से। आधा ढक्कन खोल के डालने की स्टाइल कहाँ से आई बताना जरा? अरे ये आधा ढक्कन खोलने की ऐसी है कि ये है ना, ये हाँ होती है, समझ रहे हो? ये क्या रम वम लाते थे ना कभी, तो चुपके से ऐसे ही निकालने पड़ते थे जल्दीबाजी में, समझ रहे हो? क्योंकि पूरा नहीं खोल पाते थे ना उस समय, इतना दिमाग था नहीं। अभी इसको कर लिया, अब इसमें डालेंगे, देखना अलग सा ही उछाल मारेगी। अब थोड़ी देर इसको गर्म हुआ है, अब इसको खोल देंगे। कलर चेंज हो गया? हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फट जाता है सरसों पूरा। देंगे प्याज, ये देखो प्याज, ये कितना था? 800 ग्राम था। 800 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो में 800 ग्राम था। हाँ, अरे बहुत ज़्यादा नहीं है? हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके आप देखना बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपको। प्याज की 1% भी मिठास नहीं आएगी, 1% भी। इसमें ग्रेवी ज़्यादा बनानी पड़ती है ना, थोड़ी पतली तरी में खाते हैं इसको लोग। हम लोग एक बार वहाँ गए थे जैसलमेर में, तो वहाँ पे क्या है, एक श्याम सुंदर सिंह राठौर, तो उन्होंने ऐसे बना रहे थे, वो मैं देख रहा था उनको, तो वो महारानी मैंसर की जगह क्या वो डाल रहे थे उसमें नंबर वन की वो आती है ना रम, मैकडाउल की, वो डाल रहे थे वो। तो अपन ने कहा यार खराबी तो होगा ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या होगा, बना के ट्राई कर लेते हैं। अपन ने महारानी मैंसर डाल, पहले केसर कस्तूरी डाली थी मैंने, सही बना, फिर मैंने कहा महारानी भी डाल लेते हैं। फिर तो उसके बाद तो हाथ ऐसा बैठा है कुछ भी डाला था इसमें, बीए डाल के बना देंगे अब तो। हाँ बीए डाल के बना देंगे अब तो। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे अपन, खड़े मसाले। हाँ ये लौंग और काली मिर्च है, सबसे पहले ये गई लौंग और काली मिर्च, फिर गया तेज पत्ता, तेज पत्ता, ये शाही जीरा, शाही जीरा, बड़ी इलायची दो, बड़ी इलायची दो, स्टार फूल, स्टार फूल, थोड़ी सी जावित्री, इतनी ज़्यादा डालनी थोड़ी सी है जावित्री, कितनी डालते हैं वैसे? एक कली बहुत है बस, इतनी बहुत है, इतनी बहुत है। ये दो छोटी इलायची, कुटा हुआ एक जायफल, साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, ये क्या? सौंठ, सौंठ बोले तो सूखी हुई अदरक, हाँ सूखी हुई अदरक, सौंफ, सौंफ खाने वाली सौंफ, फीकी सौंफ, फीकी सौंफ। तो ये सारे खड़े मसाले आप देख सकते हो इसमें डल चुके हैं, एक बार और डलेगा अभी महारानी के साथ जब डालेंगे, जब इसमें एक और डालेंगे, एक और बार खड़े मसाले, हाँ कुट के डालेंगे लेकिन हम। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें ये अपन मीट है, ये करीबन 1 किलो मीट है, ये पूरा का पूरा अपन इसमें डाल देंगे। तो ये अपन मीट झटका मीट यूज़ करते हैं? हाँ झटका मीट यूज़ करते हैं। कोई हलाल में हमको बोलता है बनाने को तो ऐसा कोई परहेज नहीं है, मतलब कोई बोले कि मेरे को भाई हम हलाल का मीट बनवाना चाहते हैं, तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो आप अपना मीट ला के दे दो, मैं ऐसे बना के दे दूँगा, या आप बोलोगे तो हम ला के दे देंगे बना देंगे, मतलब ऐसा कुछ टच ही नहीं करना, वैसा कुछ नहीं है। देखो हर धर्म, हाँ हम जो बनाते हैं रेस्टोरेंट वो झटके का बनाते हैं, मगर आप किसी को सर्विंग चाहिए अलग से कि भाई हमारा 5 किलो ऑर्डर है, हमारा 3 किलो ऑर्डर है, हमें कुछ पार्टी के लिए बनवाना है, तो आप बनवा सकते हो नो डाउट। बहुत ही खूबसूरत कलर्स आ रहे हैं। हाँ आज मैं आपको 2-3 अलग अलग पीस खिलाऊंगा। सीने का पीस नहीं खाते हो आप, मैंने देखा नली चाम ज़्यादा खाते हो, आज आपको सीना खिलवाते हैं, बढ़िया पीस होता है। ये साबुत लहसुन की कली डाली है, साबुत लहसुन की कली डाली है ना। 1 किलो में कितनी, मतलब 4-5 डाल सकते हो। हम वैसे जो रेस्टोरेंट पे देते हैं उसमें हम चॉप करा हुआ के फ्राई पैन में डाल देते हैं, तो मैंने कहा कि कई लोग बोलेंगे भाई लहसुन नहीं डाला, तो इसलिए मैंने इसमें दिखा दिया कि 1 किलो बनाए जब घर पे कैसे बनाएं आप। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, मटन को स्टीम लेने देंगे थोड़ा सा, अब 10 मिनट करीबन 10-15 मिनट मटन को स्टीम लेने देंगे ताकि मटन थोड़ा अच्छे से जल्दी गल जाए, रश बहुत बढ़ गया है ना। आपको 10-15 मिनट हो गए हैं, अब देख लेते हैं मटन कितना गल गया, प्याज हल्का हल्का गलने लगा है। मटन बनाने का मज़ा पता है आशीष, सही बताऊँ तो बड़ा पीते पाते रहो वैसे ही आता है, बड़ा तबीयत से बनाने वाली डिश है। हाँ पीते पाते रहो। हाँ अब क्या काम धंधे में लग गए तो कुछ करो और नहीं सकते, इधर से पिताजी माताजी, उधर से रिक्शा दादा मेरे, वो बोलेंगे तो बड़ा वैसा सीन है कि अब जिम्मेदारियों बन गए बहुत जल्दी, इतना जल्दी सोचा नहीं था कि जिम्मेदारी इतनी खतरनाक चीज़ होती है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाँ प्याज को चैनलाइज करने के लिए, वैसे तो प्याज ऑलमोस्ट गल सा गया लेकिन हल्का सा और चैनलाइज होके बिल्कुल गल जाए प्याज, तो उसके लिए थोड़ा सा नमक डालें।
तो नमक हमने पहले नहीं डाला, पहले बस वो तेल फाड़ने के लिए नमक डाला था, उसके बाद इसको तेल में पकने दे रहे थे ताकि अंदर से सिज जाए मटन, हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाता ना, तो उसके बाद नमक पी लेता है मटन। मेरे को लोग आते हैं यहाँ, बोलते हैं यार वीडियो में तो फिर भी बड़े लगते हो आप, सही में बहुत छोटे हो। मेरे को हाँ, मेरे को कई लोग बोले तो मेरे को, मतलब पहले तो मेरे को लगता था कि हाँ मैं बड़ा हो गया अब रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, लोगों ने वापस बोल दिया नहीं आप छोटे ही हो लेकिन आप रेस्टोरेंट चला रहे हो। आदमी जब किसी चीज़ में घुस जाता है ना और लगन से घुस जाता है तो फिर उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें कॉस्मिक पावर्स उसको बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ में। मतलब हाँ, सपना था कि एक ज़िंदगी में एक बहुत शानदार आउटलेट वाला रेस्टोरेंट खोलना है, उतना शानदार तो नहीं कर पाए लेकिन हाँ ये है कि हाथ में टेस्ट बैठ गया और हाथ में टेस्ट बैठ गया और लोगों को पसंद आने लगा, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ मेन्यू में है राजपूताना मटन है, 220 के 2 पीसेज है, 400 के 4 हैं, उसके बाद जो भी पीस कस्टमाइज़ कराना है 100 रुपीज़ पर पीस कस्टमाइज़ हो जाता है या चैनलाइज हो गया, तो इसके अंदर ये भीगी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, भीगी हुई लाल मिर्च कलर के लिए डाल रहे हैं, मिर्ची के लिए नहीं सिर्फ कलर के लिए, तो इससे कलर एक अच्छा आ जाएगा, कलर अच्छा आ जाएगा हाँ, क्योंकि इसमें देगी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाल, तीखापन तो सारा पानी में निकल गया इसका, इससे सिर्फ जब एंड में मटन बनेगा ना तो ये धीरे धीरे अपना कलर छोड़ती रहेगी। ये रहते पानी डाल रहा हूँ अभी है ना, हाँ लहसुन बाद में डालते हैं राजपूताना में भैया। एक्चुअली क्या है कि रेस्टोरेंट पे क्या हुआ था कि ग्रेवी ज़्यादा बनानी पड़ रही थी, तो मैं डीके और उस्ताद बड़ा परेशान हो गए कि यार मीठी हो रही है। तो हमने क्या करा, एक दिन ऐसे ही महारानी मेंसर पास में ठेका था, महारानी मेंसर लाए और उसमें मसाला घोल के डाल दिया, वो मीठापन खत्म हो गया उसका। मटन बनाते 10 किलो, अब 5 किलो प्याज डालते तो ग्रेवी ऑटोमेटिकली कम पड़ेगी कस्टमर्स के लिए, तो फिर इसमें ग्रेवी ज़्यादा पड़ गई और मीठापन भी नहीं आया, तो हमने खुद ने ईजाद कर ली है, तो सक्सेसफुली रन हो गई रेसिपी। मेनली देखना चाहते हो कि वो महारानी मेंसर का यूज़ कहाँ होता है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, गर्म मसाला कुटा हुआ ये इसमें डालेंगे, पहले लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालें, इसमें डलेगा धनिया पाउडर, हल्दी, ये इसमें कुटा हुआ गरम मसाला, अब ये इसमें डलेगी महारानी, ये है मतलब हाँ तो। अब ज़्यादातर लोग इसको क्या ऊपर से डाल देते हैं मीट में, तो वो अल्कोहल तोड़ ही जाएगा, लेकिन इसको मसाला बना के डालते हैं। टेस्ट बन के तैयार हो रहा है, तो मतलब ये है तरीका अगर हाँ, बनाना है हाँ, तो इसी तरीके मसाले को इसी तरह कर लो आप। अब ये जो महारानी मेंसर का टेस्ट है ना वो इस मसालों के अंदर घुल जाएगा, और वो घुल जाएगा तो वो अपना फ्लेवर तब छोड़ेगा जब वो इन मसालों के अंदर रहेगा, अगर वो डालने के बाद उड़ गया तो फिर उसको डालने का कोई मतलब ही नहीं, वो तो सिर्फ एक शो का काम हो गया, लेकिन अगर आपको एक्चुअल इसकी इंग्रेडिएंट रेसिपी यूज़ करनी तो उसके लिए आप इसी तरह से इसको मैश करें। अभी इसका ऐसा टाइट सा मसाला बना लें और इसको आप डायरेक्ट अपन मीट में डाल देंगे। हाँ तो मतलब ये रेसिपी तो बहुत ही नॉर्मल सी है लेकिन हाँ, जो बस टाइमिंग का खेल है इसमें, कौन सी चीज़ कब डालनी है, मतलब ये मसाला डालती पूरा कलर चेंज हो गया। हाँ अब देखो अभी कचांद आ रही होगी मसाले की जैसे घर में आती है। हाँ बिल्कुल, ये देखो कलर देखो क्या हुआ, ये थोड़ा सा इसमें पानी और डाल देंगे, मसाले का पानी हाँ मसाले का पानी, अब बस इसको सीजने रख देंगे। हाँ बस तो इसकी ग्रेवी कैसी होती है, इसकी बिल्कुल लाइट सी रहेगी, बिल्कुल पतली सी रहेगी, बिल्कुल पतली ही रहेगी हाँ, लेकिन फ्लेवर वाइज ये ज़्यादा, फ्लेवर वाइज बहुत अलग है ये, फ्लेवर इसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको, हांडी मीट में कम मिलेंगे, फ्लेवर इसमें ज़्यादा मिलेंगे, इसमें फ्लेवर ज़्यादा रहते हैं थोड़े, इसमें आप अलग अलग चीज़ को बता सकते हो खाते हुए कि हाँ यार ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, हाँ यार थोड़ी बड़ी इलायची भी फील हो रही है, वो सारी चीज़ें बता सकते हो आप इसमें खाते खाते। महारानी मेंसर का तो पता ही, वो आप बताना मुझे बाइट करके कि फील हो रही है क्या, आप बताना मुझे, मेरे को कई लोग कहते हैं हो रही है, कई लोग कहते हैं नहीं हो रही, आप खा के इतमान से आग बंद करके खाना और फिर सोचना हाँ महसूस हो रही है क्या मसालों में। अब लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हाँ अब लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लहसुन का पेस्ट अपन बाद में डालते हैं, इसलिए लहसुन डालेंगे, एक कर चली लहसुन का पेस्ट, मतलब अब आइए मटन में रंगा था, हाँ जान है लहसुन तो, ये लहसुन तो जान है, मटन की राजस्थानियों की जान है। बिना इसके कुछ भी नहीं है। हाँ स्मेल देखो। अब लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है, और पानी डालने के बाद हम इसको स्टीम होने देंगे, फिर उसके बाद एक बार खोलेंगे, चेक करेंगे कि मसाले पक गए कि नहीं, हल्दी मिर्च की स्मेल जो है वो दब गई है, उसके बाद हम इसको पानी डाल के और पकने देंगे,
वैसे मटन अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है, ये देखो नली खुलने लगी है। हाँ। थोड़ी सी इसमें दो स्टीम में आराम से हो जाएगा। और ये जी सर, हाँ एक्चुअल में मैं जोधपुर से हूँ बेसिकली। अच्छा। और मैं आपका ही वीडियो देख के आया था यहाँ पे, जो आपने रतन जोत वाला बनाया था। हाँ। और वो मेरे को इतना बेस्ट लगा वीडियो, तो हम यहाँ आ गए। और आज कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि आप भी आज हमें यही मिल गए, तो दोनों काम हो गया हमारा। तो अभी हम जब ये प्रिपेयर कर रहे थे तब दो भाई आए हैं, जोधपुर से हैं ये, और ये बैठ गए, बोले नहीं अब हम तो यही खाएंगे जो बन रहा है। तो मतलब यही क्यों खाओगे? ये इसलिए बहुत देखा है अभी यूट्यूब पे, आपके भी हमने व्लॉग्स देखे थे जी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम की टेस्ट करते हैं कि कैसा है। चीज़ बन रही है ब्लॉगर के लिए, बन रही तो अच्छी बन रही होगी। नहीं देख रहे हैं कैसे क्या है फिर उस हिसाब से। ब्लॉगर के अलावा मतलब देसी जो राजपूताना टेस्ट आ रहा है वो यहीं से लग रहा है, यही है टेस्ट। आज यही खा के जाओगे आप? कि मेन चीज़ ये है, मैं इसलिए सब कुछ डिस्क्राइब में इसलिए बताता हूँ क्योंकि हर बार कस्टमर नहीं आ सकता, कभी कभी उसको खुद को भी बनाना होगा। मेन चीज़ यही है, इसलिए मैं हर चीज़ इतना डिटेल में बताता हूँ कि घर पे जब बनाएं तो इसी तरह का ध्यान रखें। अब वो देखो जो लाल मिर्च अपन ने साबुत डाली थी ना, उसका रोगन आने लग गया। सही बात, कलर चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है। हाँ, बहुत अलग ही खुशबू आएगी। और अब जोधपुर वाले आए तो जोधपुर वाले खा के बताएंगे इसको। सर्दियाँ आ गई हैं तो मटन तो बनता ही है, और मटन खाओ तो ये मत सोचो कि फिर शर्म वरम कुछ मत देखो कि कौन आसपास बैठा है, लड़की बैठी है, लड़का बैठा है। फिर मटन खाओ तो दोनों हाथ डुबा लो और दोनों हाथ से खींचो, फिर मत सोचो। अब कई लोग हमारे यहाँ आते हैं, कस्टमर बोलता है नली चाँप दे दो, हम दे देते हैं। अब वो जब मांस खा के नली छोड़ जाता है ना, तो मेरा तो काउंटर से ऐसे जीव दुखता है। मैंने कहा यार इसका अंदर का माल तो खा ले भाई, पैसे मत देना, कोई बात नहीं, नली तो तोड़ो कम से कम। तो वो वाली चीज़ें हैं, अब कई लोगों को नहीं पता, लेकिन वो ऑर्डर कर लेते हैं सुनी सुना में कि नली चाप देना, नली चाप देना। लेकिन नली चाप से ज़्यादा और भी कई पीसेज होते हैं जो बढ़िया होते हैं, सीने का पीस होता है, कमर का पीस होता है, गर्दन का पीस होता है, दैट हैव मच मोर न्यूट्रिएंट्स। तो वो भी ट्राई करते हैं, मतलब हम घर में बेसिकली वही खाते हैं। एक तो क्या है, राजपूताना जो मटन है लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, तो इसकी सर्दियों में ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो इसमें लिकर डलता है और सर्दियाँ आती है तो मटन और लिकर का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर वो एक अलग ही टेस्ट देता है कस्टमर को। तो लोग ईज होके आते हैं कि यार चलो आएंगे तो कम से कम बढ़िया है, सर्दियों में अच्छा टेस्ट अच्छा फ्लेवर मिलेगा हमको। ये अपनी करीबन एक घंटे सवा घंटे की रेसिपी होती है, एक सवा घंटे में आराम से बन जाती है। आप जितना ज़्यादा बल्क में बनाओगे टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। आज राजपूताना करीबन अपन 22-23 किलो राजपूताना बना रहे हैं, आज संडे है तो मतलब एक किलो तो ये अलग बन रहा है, 22-23 किलो और बन रहा है। थोड़ा पानी डाल रहे हैं ताकि अच्छे से गल जाए और थोड़ा तरीदार बने। अभी लास्ट टाइम था जब हमने पानी डाला, बस ये लास्ट टाइम। मटन वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, कि 15-20 मिनट इसको और पकने देंगे ताकि अपना ग्रेस ले ले। तो आप ना हमेशा ये बनाते सिगड़ी पे ही हो, मैंने देखा जितनी भी मैंने प्रिपरेशंस देखी सारी सिगड़ी पे है। क्योंकि ये लोग खुद ही सिगड़ी बनाते थे, क्योंकि मेरे को ऐसे बताते हैं ये लोग कि मटन बनाने का मजा कोयले पे ही आता है। अब जो रेस्टोरेंट के लिए बल्क में बनाते हैं वो तो हम गैस पे बनाते हैं, लेकिन अब कोई पर्सनली हमसे बनवाना चाहे ना तो हम उसको इसी तरह से बना के देते। तो देयर इज अ मार्जिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेस्टोरेंट स्टाइल एंड द बेसिक राजपूताना स्टाइल, तो उसमें कभी कभार फ़र्क रह जाता है। जो लोग कस्टमर आते हैं बोलते हैं यार जैसा वीडियो में था वैसा नहीं मिल रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ से बना दूँ कि आप जो खाना चाहते हो टाइम पे आओ, आपको वही मिलेगा जो वीडियो में मिल रहा है। अब यही सेम मटन गैस पे बन रहा है जो हम रेस्टोरेंट के लिए बनाते हैं, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, हाँ 20 किलो मटन है करीबन। और ये हमारा शेफ है प्रदीप। ये क्या बात है इसमें तो यार, ये पूरी पूरी लहसुन की कलियाँ डाल रखी है। कई कस्टमर क्या मानते हैं, अरे यार ये तो बहुत सही लग रहा है, खुशबू भी जोरदार आ रही है। ये देख सकते हो यार क्या रंगत है इसकी यार। ये रेस्टोरेंट के लिए प्रिपेयर होता है, ये रेस्टोरेंट के लिए प्रिपेयर हो रहा है हमारे। और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हमने वो लहसुन की पूरी कली नहीं, पूरी कली नहीं डाली, और लहसुन की कलियां डाली। और ये गैस पे बन रहा है, ये गैस पे बन रहा है और वो चूल्हे पे बन रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सिगड़ी पे बनाना पॉसिबल नहीं है। आप भगोने का साइज देखो एक बार, इतना बड़ा भगोने पे बनाना पॉसिबल नहीं। बट बहुत सही है यार, खुशबू इसमें से भी बहुत बढ़िया है। कोयले हाँ, कोयले जलता ले अभी ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं, गत्ते वत्ते की जरूरत है, अपन तो एक्सपर्ट हैं, डायरेक्ट इससे ही जला देंगे। देखो देख सकते हो आप, फ्लेम पूरी ले लेगी। सिगड़ी की बात ही कुछ और है। हाँ। सिगड़ी पे बनने वाला खाना चपाती मटन गल गया, मटन हाँ ऑलमोस्ट गल गया मटन। ये चाँप का पीस है और एक गोल बोटी है, मांस छोड़ दिया है। हाँ। ये ऑलमोस्ट मटन पक गया है। अब इस पैन में धनिया डाल के इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि रोगन ऊपर आ जाए। रोगन ऊपर कस्तूरी मेथी लेंगे,
हल्की सी कस्तूरी मेथी वो रख देंगे और ये धनिया अच्छी क्वांटिटी में लेके धनिया थोड़ा और डाले तो थोड़ी देर इसको ढक देंगे ना, दो पाँच मिनट इसको ढक देंगे ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए। मतलब रंगत तो आ गई है यार, पूरा मटन गल भी गया, अच्छे से रंगत आ गई। मटन अपना रेडी हो गया, अब रेडी टू सर्व है। मतलब खुलते ही जो खुशबू आई ना यार, ये धनिया और डाल दिया आपने थोड़ा सा। तो हमारा रजवाड़ा मटन बन करके हो चुका है रेडी, और ये इसके ऊपर डल रहा है थोड़ा सा और धनिया, धनिया कस्तूरी मेथी, बढ़िया धनिया और कस्तूरी मेथी दोनों। पहले भी डाली थी और अभी दोबारा इसकी थोड़ी सी और फ्रेग्रेंस बढ़ाने के लिए डाली है। और आप देख सकते हो रंगत और जो प्याज थे ना, उसने जो ये ग्रेवी बनाई है पतली होने के बाद भी जो, ओ यार ये देखो ये है माहौल, एक सीने का पीस है कि नहीं, ये है माहौल तो यार। और एक ये है नली का, ये एक नली का, क्या बात है। इसके लिए 2 घंटे वेट किया है इन्होंने यार, लेकिन वो 2 घंटे ना वर्थ है जब आप ये खाओगे ना। अरे आ गया रोगन, ये आ गया रोगन ऊपर से यार, ये देखो ये है थाली, मतलब अब आएगा खाने में मज़ा जो आएगा। तो ये है आप देख सकते हो रंगत, आप इसकी देख सकते हो कितनी शानदार आ रही है यार, जो कलर्स है ना, मतलब बिना रतन जोत के बिना रतन शानदार कलर आया है इसमें। ये आप खाओगे ना तो आपको एक एक मसाले का फ्लेवर है ना आपके दांत में और जबान पे बोलेगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और महारानी मेंसर का जो स्वाद आपको लगेगा ना मसालों में, वो अल्टीमेट लगेगा बिल्कुल। चलो अब खा के देखते हैं इसको। दोस्तों आज मैं एक बार फिर आया हूँ जायका, और पृथ्वी ने आज भी जो डिश बनाई है ना वो हमेशा की तरह एक यूनिक डिश है। एक विस्की डाल करके हमने ये बनाया है, और ये जो रेसिपी है ये पृथ्वी की खुद की रेसिपी है। हालांकि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें डालते हैं, बट जो हमने डाली है वो है महारानी मेंसर, हम लोगों ने डाली है। और वो राजपूती मटन के लिए माना जाता है कि मतलब वो जब आप उसके साथ में डालते हो, और डालने का जो तरीका होता है, तो ये है प्रिपरेशन आपके सामने आप देख सकते हो। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चाप के और नली के पीसेज इन्होंने डाले हैं। तो एक बार, अब देर नहीं करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते हैं ज़्यादा, और एक बार इसको देख लेते हैं नली का पीस। और ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल देखो इन्होंने बहुत ही अच्छे से नली छोड़ दी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी। तो ये एक निवाला हमने बनाया है, और बिल्कुल इसकी तरी में इस तरह से डुबा करके, तो बहुत बड़ा निवाला और बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ इसको, नहीं तो व्लॉगिंग के चक्कर में ज़बान जल जाएगी। यार पृथ्वी भाई तो लड़की होता ना, मैं शादी कर देता तेरे से सच में यार। भैया टिश्यूज़ दे देना प्लीज़। टेस्ट मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इसके लिए प्रॉपर आप देखो, सबसे पहले तो जो भुनाव है ना मटन का, ये देखो कितनी आसानी से, देखो कितना अच्छे से पका हुआ है, पीसेस कितने अच्छे इन्होंने लिए हैं। और एक बार पीस को भी एक बार हम इसमें, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि ये जो ग्रेवी है इसमें जो प्याज डला था, इतनी क्वान्टिटी में डला था, उसके बावजूद ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, बिल्कुल चटपटा है जैसा होना चाहिए। मटन रेसिपी की सबसे अच्छी खासियत होती है जब मटन गला हुआ होता है, तो जो वो टेस्ट और फील देता है ना, मतलब आपको चू ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा, हड्डी को प्रेशर नहीं देना पड़ रहा। और हो भी क्यों ना, हमने इसको 2 से 2.5 घंटे पकाया, राइट, 2 से 2.5 घंटे ये पका है, और पूरे फ्लेवर्स इसने जो है इसमें रिलीज कर दिए हैं। तो अब जब खा रहे हैं ना हम इसको, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए चाप का एक और पीस, ये देखिए, मतलब मैंने जस्ट ऐसे किया और ये, और ये देखिए बिल्कुल हट गया इसमें से, ये देखिए आप, मतलब इसकी जो खुशबू ही है ना, मतलब वो अलग ही लेवल की है। मतलब जो महारानी मेंसर डालने का जो मकसद था वो बिल्कुल पूरा हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है जब आप इतने सारे 1 किलो की प्रिपरेशन में जब आप इतने सारे अगर प्याज डालते हो तो वो कहीं ना कहीं फिर अपनी मिठास छोड़ देता है। बट जब इन्होंने महारानी मेंसर यानी एक लेकर को मसालों के साथ मिला करके इसमें डाला, तो उससे हुआ क्या कि जो इसके मसालों की जो खड़ापन था, जो मसालों का एक्चुअल फ्लेवर था, मतलब मिठास ने उसको दबाया नहीं, और बिल्कुल जो मसालों का टेस्ट है वो बरकरार रहा, वो उसकी वजह से होता है और इसलिए डाला जाता है। और सर्दी में तो मतलब जब सर्दी का मौसम आ गया है, तो सर्दी में जब इस तरीके की प्रिपरेशन आपको मिलती है ना, तो उसका फिर अलग ही जायका होता है और वो फील हो रहा है। शाम का टाइम है, जायका है, पृथ्वी की रेसिपी और क्या चाहिए। चेस डू दैट। बिल्कुल मसाले से ज़्यादा अपने भाव भरे हैं, उससे बहुत टेस्ट चाहिए, बहुत टेस्ट।
मतलब आप जोधपुर से आए हो, मैं मानता हूँ जोधपुर का जायका जो होता है वो राजस्थान में और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो आपको फील दे पाया क्या? प्रॉपर जोधपुर वाला, प्रॉपर जोधपुर वाला फील आ रहा है। जो एक्सपेक्टेशन है उस पे खरा उतरा है, बिल्कुल खरा उतरा। सही में मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो अगर आपको ये राजपूताना मटन खाना हो तो एक बार जायका जरूर आइए और ये प्रिपरेशन खा करके देखिए। तो अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, सब कुछ आपने देख लिया, अब मैं इसको कर लेता हूँ फिनिश। सो दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और जगह किसी और दिन। टिल देन बी हैप्पी।